ना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। मैडम 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 अगर खड़ा रहता खड़ा ओके है ना सर। अभी जो इनका प्रोफाइल समझ में आया है कि ये सुग्रा मामला है, आरक्षक पे हमला कहना ठीक नहीं है उस चीज को। वो आरक्षक अपने कर्तव्य पे अग्रसर था और एक चेन स्नैचिंग जैसी सनसनीखेज वारदात करके व्यक्ति भाग रहा था, उसके पीछा करने के दौरान उसको सामने से पत्थर आया है तो उसमें उनको चोटें आई हैं। और हमारे कर्तव्य पे ड्यूटी करते वक्त अगर ये घटना होती है तो निश्चय ही ये हमारी टीम की बहादुरी और उसका हौसले का परिचायक है। और इन्हीं के प्रयासों के तहत एक रंगे हाथ घटना करके भागते हुए साथी बदमाश को पकड़ा गया है। और इसमें से हमको अन्य एक घटना जो सोनकक्ष में हुई थी उसका भी खुलासा हुआ है, साथ ही साथ जो इसके अन्य साथी थे उनके बारे में भी हमको जानकारी लगी है। तो निश्चय ही ये एक बहादुरीपूर्ण कदम है और इससे हमारे जो बाकी टीम के लोग हैं उनका भी हौसला गया। जब तो आरोप अभी जो एक आरोपी अपने को मिला हुआ है उससे एक चेन का टुकड़ा और चाकू मिला है, बाकी जो सोनकक्ष की घटना है उसके संबंध में भी 30,000 रुपये लगभग जाने की लूटने की बात आई थी, उस रुपए की भी जानकारी लगी है। अभी BNP थाना अपने मामले की तफ्तीश कर रहा है, इस थाने के बाद यह आरोपी थाना सोनकक्ष पुलिस ले जाएगी और वहां से वो रुपए भी बरामद होंगे। हेल्पलाइन सर जारी करने की बात की कोई नंबर?